मैं सबको ही बताना चाहूंगी कि मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला। पिताजी के इंतकाल के बाद बड़े भाइयों ने बिल्कुल भी ना तो फिक्र की ना ख्याल रखा। जितना मैं पढ़ना भी चाहती थी उतना भी, जहाँ जहाँ पढ़ना चाहती थी उसके लिए भी बहुत सी रुकावटें मिली। स्कर्ट पहनती थी, लंबा सा स्कर्ट होता था, सॉक्स पहनती थी ऊपर तक, और एक पस्ता रख लेती थी अपनी अपने घुटनों के आगे ताकि लोगों की नज़र वहाँ ना पड़े। सिर्फ इसलिए मैं कि मैं 13-14 साल की एक लड़की हूँ, मुझे घूरा जा रहा है। क्यों मुझे घूरा जा रहा है? क्या मैं घूरने की चीज़ हूँ? नहीं, बड़ी बहन के कपड़े में गए, एक बड़ी अच्छी भाभी है, उन्होंने दे दिए कुछ, तो मैं थोड़ा ना मेरा मजाक उड़ाया जाता था। इतने तो पैसे थे नहीं और मुझे थोड़ी शर्म आती थी कि मैं नहीं मांगू। मुझे मेरी आँख काली थी, मेरी पिटाई हुई थी उस दिन कि क्यों पढ़ना चाहती हूँ। जामिया जाते ही अब्बा की डेथ हुई, मैस्कॉम करते ही, वो चाहते थे मैं आईएएस करूँ। दिमाग में होता है ना, करो तो कुछ अच्छा बड़ा करो, नहीं तो सब नहीं करो। तो बहुत मजबूरियाँ थी और मेरी एक दुआ थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे या तो ख्वाब बदल दो या मेरे हालात बदल दो कि ऊपर वाले करके दिखाओ। ये मतलब इतना गुस्सा था मेरे में। तो आप देखिए, आपके साथ जो जो होता है ना, आप उसको लाइए, आपको जज्बाती होना पड़ेगा। मैं दरअसल यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया कि जो बचपन में एक मानसिक प्रताड़ना आपने झेली, जो संघर्ष आपने झेले, उसका एक जो एक मानवीय पक्ष था, वो मानवीय पक्ष भी आपकी रिपोर्टिंग में दिखा, वो आपकी एंकरिंग में दिखा। तो कहीं वही तो कारण नहीं था कि जन लोकपाल आंदोलन से आप जुड़ी और आपको लगा कि देश की जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो तो राजनीति से ही पूरी हो सकती है? तो फिर जो एक एंकर शाजिया इल्मी जी, आप देखिए आधी बात आपकी पूरी सही है लेकिन आधी बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना तो अरविंद बाकायदा कस्में खाते थे कि कभी ये पार्टी नहीं बनेगी। तो ये कभी हमारे दिमाग में भी नहीं था कि छोटा मोटा मार्च में, तो 2011 थी, मार्च में तो छोटा मोटा आंदोलन था। कोई नौकरी नहीं छोड़ता है अपनी, देखिए बिल्कुल, या नौकरी जो मिल सकती है किसी को वो आता नहीं है कोई। मैं कहती हूँ इस बात को, मैं दरअसल आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप उस एक ऐतिहासिक मोमेंट से जुड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि जेपी मोमेंट के बाद इस देश ने एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन देखा, जब इस देश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो उस आंदोलन से अछूता था। रामलीला मैदान तो अगस्त में हुआ ना, मैं मार्च से मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मेरी एक मित्र मिली, बोले तो एक छोटा सा, आपको याद है जंतर मंतर ये लोग आए थे और छोटा सा एक उन्होंने कुछ कोशिश की थी लोगों ने। मैं खबरें जो लगातार पढ़ती थी एंकरिंग के तौर पर अपने, उससे पहले वो सारी खबरें किस चीज को लेकर थी? करप्शन। और मैं थक गई थी। मायावती के वक्त में तो चीफ मेडिकल स्कैम ऑफिसर मारे गए थे, बाकायदा मेडिकल स्कैम हुआ था। मैं सोचती थी इतने गरीब राज्य से मैं हूँ, गरीबों के लिए दवाओं में भी स्कैम है, इतने बेशरम लोग हैं। फिर मैं देखती थी पूरा यूपीए की सरकार को रोज आना, कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम हो, मतलब रोज आना ही खबरें थी। कॉमनवेल्थ गेम्स याद है आपको? बिल्कुल, मैं तो कुछ जानती हूँ उन लोगों को, मतलब जो सुरेश कलवाड़ी जी की टीम थी, क्या पार्टियां हो रही हैं। एथलीट्स आप भूल जाइए, कौन जाएगा फर्स्ट क्लास में, उसकी वाइफ को ले जाओ, उसको ले जाओ, कैसे एंजॉय करना है। आप देखिए एयर इंडिया को ड्राई लीजिंग, बेट लीजिंग एयरक्राफ्ट की, स्कॉर्पियन डील आप देख लीजिए, आप एक एक देखिए मामला उठाकर, हमने कितने मामले उठाए थे। मैं तो पढ़ रही थी उन खबरों को ना, रोजाना ही खबरें आ रही थी, रोजाना स्कैम्स थे। तो जब मैंने ब्रेक लिया तो एक मुझे लग भी रहा था कि एंकरिंग में मैं इससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत पैसे हैं, लोग सोचते हैं बहुत कामयाब आप ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ और करना था। सिर्फ मेरे पैसे और मेरे जीवन के बारे में ये नहीं थी मेरी जुस्तजू। तो जब अरविंद ने कहा मेरी मदद करो, और मैं जानती थी प्रशांत जी को, जानती थी आरटीआई के जरिए भी इन लोग के बारे में पता था, कुछ एक वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कुछ काम कर रही थी, स्टार न्यूज में ही रहकर मतलब किशवर जी कुछ काम कर रही थी, तो प्रशांत जी से थोड़ी बात भी हुई थी। तो मुझे लगा मैं थोड़ी एक दो महीने के लिए मदद कर देती हूँ। यह मार्च की बात है 2011, तब तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहलाता था। बिल्कुल, मामला आगे बढ़ा, पांच पांच मंत्री मिलते थे, याद है आपको? पांच मंत्री मिलते थे, और ये तो तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे तो पता भी नहीं था कभी ये आंदोलन, कभी पार्टी भी बनेगा या आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन भी होगा। तो मुझे कहना कि आप पब्लिसिटी, मैं तो ऑलरेडी एंकर थी, मैं किस पब्लिसिटी के लिए आऊंगी?
मैं तो एस्टैब्लिश कैंकर थी करकरे जी के, हेमंत करकरे जी के, सालस्कर जी के और कामटे जी के, जब सबको शूट आउट किया था तो वो इंटरव्यू सबसे पहले मुझे मिला था बॉम्बे हॉस्पिटल में, मैं स्टार न्यूज में थी, क्योंकि सब तो भाग रहे थे एनएसजी कमांडोज के पीछे, वहां पे हुआ था, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी। एक लड़का भागा भागा आया, यंग सा था, बोला दीदी आप स्टार न्यूज के एंकर हो ना, मैंने कहा हाँ, बोला उससे मिलकर आओ। वो था, मैं गई, सबसे पहले मैंने वो इंटरव्यू किया था। तो जो हकीकत जो 72 आज तक किसी को पता नहीं थी, क्या हुआ मुंबई में, सबसे पहले वो कहानी मैंने वो अरुण जाधव जी का सबसे पहले इंटरव्यू किया है। और जब आप ये स्टोरी जब भी देंगे तो मैं इसको ट्वीट भी करके बताऊंगी। उसके बाद बाकी चैनल्स पहुंचे, उसको उसके साइटेशंस हुए, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि अजीज बरनी और दिग्विजय सिंह की जो सारी कहानियां है ना, करकरे को मारा है, ये साध्वी प्रज्ञा वाली, ये सब झूठी कहानियां हैं, क्योंकि मैं तो थी, मैंने तो फर्स्ट इंटरव्यू लिया है। मुझे मैं बहुत प्राउड हूँ उस मोमेंट को लेकर कि मेरे लिए ये कामयाबी है। बहुत से कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी पत्रकारिता के बारे में बहुत झंडे गाड़ते हैं, मुझे नहीं शौक है, लेकिन इसका मुझे फक्र है। और तो हमने अपने अपने बॉसेस को बताया, बॉसेस क्या हमारे मित्र थे, क्योंकि इतने साल काम किया था और सच में दोस्तों की तरह से थे। मिलन खांडेकर जी को, शाजी जी को बोले सच में तुम्हें मिल गया है, मेरे को सच में मुझे मिल गया है वो, बोले फौरन करो। तो ऐसा पहली बार क्या हुआ है, तो वो स्टोरी आई थी अरुण जाधव की, तो मैं उन लोगों में से हूँ, देखिए। तो और उसके बाद फिर तब भी लगा बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो जब ये छोटा सा मूवमेंट था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि हमारी हेल्प करो, किसी के थ्रू मिले, हमने कहा जरूर। हमने कहा आपकी मैसेजिंग बिल्कुल गलत है, आप ऐसे गलत कर रहे हैं, मैंने कुछ हमारे साथ काम करो। काम करने लगे, देखा कि उनका अपना एक पुराना ग्रुप है कबीर और परिवर्तन का, और आज के दौर में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी में वही कबीर और परिवर्तन के लोग जो है, वही सबको हाई सैलरीज मिल रही है, सबको सरकार में एडवाइजर बनाया गया है, उनका क्या मेरिट है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ नहीं। बाकी लोग जो बाद में आए, सबको धक्का मार के निकाला गया। ये तो मेरा स्वाभिमान था कि मैं खुद अपनी मर्जी से पहले निकलने वालों में से हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने कहा मैं नहीं, क्योंकि मैं खुद ज्यादा ही सच जानती हूँ, कितने वो साफ सुथरे हैं, उसकी असलियत में सब जानती हूँ। तो खैर वो अलग कहानी है। तो ये छोटा सा मूवमेंट था, और मैंने अरविंद जी के लिए नहीं किया, अन्ना जी के लिए भी नहीं किया, मैंने मुझे लगा इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, कुछ करना चाहिए भाई हम लोगों को। तो मैंने कहा मैं इसमें कुछ दिनों के लिए काम करूंगी, बाद में फिर से एंकरिंग में जॉब में चली जाऊंगी, मीडिया की जॉब में तो ट्रेंड हुई इसके लिए, इतने सालों काम किया है तो मेरे पास तो बहुत ही अच्छा इसका वो है। फिर मैं करने लगी, लेकिन फिर वो 5 मिनिस्टर्स की बात आई, फिर बात बढ़ती गई, फिर एक वक्त आया, फिर उन्होंने अन्ना हजारे को, जब अन्ना हजारे को जेल में बंद किया था, मैं अन्ना हजारे मेरी कार में थे, मैं उनको छुपा कर ले जा रही थी किसी और के साथ, राजीव जी हैं, और मुझे पता बताया गया था नोएडा में मयूर विहार के पास कहीं पे, मैं वहां जा रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये लोग इतने झूठे हैं, इन्हीं लोगों ने पुलिस को भी खबर दे दी, जो कहते हैं ना अन्ना को जेल में भेज दिया, ये वही हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये असलियत है इनकी, मैं बता रही हूँ आपको, ताकि अन्ना हजारे जेल जाएंगे, बड़ी खबर होगी और पब्लिसिटी होगी। तो फिर अन्ना हजारे को जेल चले गए, आप सब जानते हैं। वहां पे भी जो प्लान था, क्योंकि मेरी वहां पे भी बात हो गई थी, और वहां पे सरकार ने कोई और जगह हमें दी थी, कोई टाइटलर पाक है कुछ, क्या नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हम लोग ने सोचा हम लोग डिफाई करेंगे और हम लोग रामलीला मैदान जाएंगे। और रामलीला मैदान में किरण बेदी, कुमार विश्वास और मैं थे, बारिश हो रही थी, गड्ढे थे, मैंने कहा कौन आएगा यहाँ पे, क्या होगा, मैंने कहा सब भूल जाओ, बस खड़े हो जाओ, भारत माता की जय, झंडा फहरा दो, खड़े हो गए। वो दिन था, देखिए जब आपको यकीन होता है ना किसी चीज पर तो कायनात मदद करती है। वो दिन और उसके बाद देखिए उसके 5 दिन बाद क्या हुआ, इतिहास। तो वो और उसके बाद अब देखिए निर्भया आंदोलन, उसमें भी अरविंद बिल्कुल टोकरी था, क्योंकि वो पार्टी बना चुके थे तब तक। हमने कहा नहीं ये जरूरी है, मैं गई थी, आप एम्स के जो PRO है आप उनसे पूछिएगा, मैं चुपके से गई थी, मैं मौजूद थी जब डॉक्टर्स बता रहे थे, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन तो थी नहीं, मैंने कहा मुझे बस बैठने दीजिए, मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं तब भी थी, मैं ऊपर वाला ना मुझे सही जगह भेज देता है, और कोई पद नहीं होता मेरे पास, सिर्फ एक किसी की दुआ होती है, कुछ होता है कि मैं चली जाती हूँ। और मैंने वो देखा, और उसके बाद तो खैर मैंने अरविंद जी से कहा आप जाइए बैठिए, जरूरी है आपका, भूल जाइए पार्टी के बारे में। तो ये ऐसे हुआ सारा कुछ, मुझे लगा हम लोग कुछ बदल रहे हैं,
मुझे नहीं लगा कि हम लोग जो कह रहे थे कि हम और पार्टियों के की तरह नहीं हैं, हम हमारी वैकल्पिक है राजनीति, हम लोग अलग करेंगे। अब तो जब भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे बोले बीजेपी भी ये करती है, कांग्रेस भी ये करती है, तो ये पार्टी क्यों बनाई, हमारे जैसे लोग क्यों ज्वाइन करें, हम लोग सीधे बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। आप समझ रहे ना मेरी बात को? तब तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे कि नहीं हम लोग वैसे नहीं बनना है, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब जाके देखिए कितनी सिक्योरिटी है उनके घर में, आप जाके देखिए जी लेवल, खुद ही थप्पड़ अपने को पड़वाते हैं फिर कहते हैं सिक्योरिटी चाहिए। इतने सेक्रेटरीज नहीं लेंगे, अपने सलाहकारों को लाखों रुपए की सैलरी दिलवा रहे हैं। जिस शुंगलू कमेटी को कहकर कॉमनवेल्थ गेम्स में बार बार शीला दीक्षित पर प्रहार किया था, यूपीए पर प्रहार किया था, वही शुंगलू कमेटी इन पर बैठी है। और देखिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, सोचिए तो शर्म की बात है। और तब भी लोग आम आदमी पार्टी को मानते हैं। अभी प्रमाण आ गया है कि उनके घर में चीफ सेक्रेटरी को मारा गया। क्यों पीटा गया रात के 12 बजे? क्योंकि उन्होंने, क्योंकि वो 100, 200, 400 मेरे ख्याल से 600 करोड़ का बजट नहीं पार कर रहे। वो करोड़ों का बजट जो अरविंद केजरीवाल रोज दिखते हैं हर जगह, कौन देता है? हम ही लोग, आप और हम ही तो दे रहे हैं ना। पर मैं मगर, लेकिन नहीं लोग, पर लोगों को देखिए, लोग हमारे देश के ऐसे हैं, मोदी से नफरत करनी है। अरविंद बड़ा खराब है जब यूपी के खिलाफ बोल रहा है, शीला दीक्षित बड़े खराब आदमी, ये तो खाकी वाला है, ये तो आरएसएस वाला है, वही लोग। लेकिन वही अरविंद जब मोदी के को गाली बकता है, मोदी जी के खिलाफ लड़ता है इलेक्शन, तो चहिता हो जाता है। ये तो हमारे बुद्धिजीवी हैं भाई, इनकी बुद्धि यहीं से शुरू होती है, यहीं से खत्म होती है, मोदी नफरत से। उसी पे मेरा अगला सवाल, उसी पर पूरा सा, वो उसी पर टिके हुए हैं। उसी पे मेरा अगला सवाल था। तो जैसा कि आपने बताया कि एक एंकरिंग से आपने ब्रेक लिया, एंकरिंग से आपने ब्रेक लिया, फिर आप उस आंदोलन से जुड़ी, आप फिर धीरे धीरे जो है आपका मोह भंग हुआ। पर देखा जाए तो मैम, फिर आपने 2015 में बीजेपी भी ज्वाइन की, आप उपाध्यक्ष भी रहीं, वर्तमान में आपको पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है, तमाम मीडिया हाउसेज में आप जाती हैं, उसका पार्टी का पक्ष रखती हैं, तो एक अल्पसंख्यक चेहरा बना करके आपको प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आगे किया है। तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में बीजेपी की राजनीति और बीजेपी आरएसएस और अल्पसंख्यकों का संबंध में आप किस प्रकार से देखें? एक छोटा सा, उससे पहले एक छोटा सा जवाब दूंगी। आपने सवाल पूछा नहीं है, बार बार पूछा आपने दल बदला है। देखिए मेरी लॉयल्टी कॉज के साथ थी, किसी इंसान के साथ नहीं। जब अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी, जो मैं देख रही हूँ उनको, महाकलाकारी इंसान दिख ही रहे हैं हमको, तो आप बताइए मैं क्यों उस पार्टी में रुकूंगी? मेरी अरविंद केजरीवाल से कोई लॉयल्टी नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो कुछ बदलना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था वो ही करेंगे, अपने ही मित्रों को देंगे टिकट। क्या कहते थे? आम लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब अमीर लोगों को टिकट दिया जा रहा है, क्या फर्क है? खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं जी। क्या फर्क है? तो कहा था T3 लेवल होगी चेकिंग, तब लिया जाएगा कितने लोगों को दे दिए टिकट। आप जानते हैं, चाहे वो संदीप कुमार हो, चाहे वो, मतलब मैं, मुझे नाम गिनाना शुरू करूं तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी। और बच्चों की कसम इन्होंने खाई थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप ये बताइए, तो इसलिए, और फिर मैंने आम आदमी पार्टी खुद से छोड़ी, उन्होंने बहुत रोका। जैसे कि सबको ये राज्यसभा का दे देते ना लॉलीपॉप, मैंने सबसे शुरुआती दौर में छोड़ा। आशुतोष बने रहे, कुमार विश्वास बने रहे कि भाई हमें मिल जाएगा, रुके रहो रुके रहो। लेकिन अरविंद ने क्या किया? अरविंद ने उनके साथ भी खेल कर दिया। ऐसा खेल किया कि उनको दोनों को तो मिला नहीं राज्यसभा। एक कांग्रेसी को मिल गया जो एक दिन पहले कांग्रेस में था, आज उसको मिल गया, पता नहीं कैसे मिला। और एक और जी थे जो बहुत जाने माने हैं, बहुत रईस भी हैं, उनको मिल गया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। अब किस लिए उनको राज्यसभा मिला ये तो सबके सामने जाहिर है। क्या उन्होंने काम किया था, या तो किसी आम आदमी पार्टी का या किसी आम आदमी या आम औरत का? कितने खासम खास और रईस लोग हैं वो। तो संजय सिंह को जरूर मिल गया टिकट था, तो ये तो दोनों तो भाग खड़े हुए। अब आशुतोष जी विश्लेषक बन गए, आशीष केतान जी विदेश जाकर कुछ और ही एजेंडा चला रहे हैं। अच्छा अब देखिए, अब फिर एक साल मैंने इंतजार किया ना, मैंने आम आदमी पार्टी से कभी टिकट मांगा था,
ना मैंने कभी बीजेपी से ना टिकट मांगा ना कोई पद मांगा है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। जो कहते हैं ना दल बदल लिया, उन लोगों में से नहीं हूँ, हजारों लोगों ने बदला है। एक अच्छा मेरे बारे में आप एक ही चीज कह सकते दल बदला, तो वक्र से बदला है, बहुत ही शौक से बदला है। और मैं आजीवन तौर पर कह रही हूँ अपने अपने बारे में कि जो पार्टी जो लोग लोगों के लिए काम करेगी, जो जरा सा भी कुछ बेहतरी करेगी, जिसके मन में गरीब के लिए फिक्र होगी, उसके लिए ही रहूंगी मैं हमेशा। मैं नहीं देखूंगी हिंदू मुस्लिम। और जो काम हो रहा है बीजेपी में आज के दौर पर, उससे तो देश का फायदा हो रहा है। ये काम हुए नहीं है जो 7 साल में हुए हैं। सोचिए 44 करोड़ लोगों को के जनधन खाते बने हैं, क्या उन जनधन खातों में मुसलमान नहीं है? बिल्कुल है। जो खातेदार, मैं बताऊं आपको कहानी, अब बता दीजिएगा। जो कहते हैं ना माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज करते फिरते हैं, अल्पसंख्यकों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं जो इतनी दबाई जाती हैं, उनकी आजादी की, उनकी सुरक्षा की, उनके सम्मान की कुरान सम्मत बात, ट्रिपल तलाक बिल का खात्मा, उसमें भी इन पार्टियों ने साथ नहीं दिया। ये क्या मुसलमानों के साथ होंगे? ये किस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना माना? भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे किसी ने नहीं रोका, मैंने हर डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। ये मौजू मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने इन सब महिलाओं को जानती हूँ, अलग अलग उम्र की हैं, बचपन की याद आती है, जुबेदा खाला, बेबी बाजी, आसिया आ रही हैं, सबके साथ वही कहानी, शौहर ने छोड़ दिया है, दूसरी शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, कहाँ जाए, तलाक 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 हो गया, बस कोई मदद करने नहीं आ रहा था। तो मेरी मैंने से देखा ही, तो इसमें तो कोई पार्टी आई नहीं, तब तो मुस्लिम हितैषी बनी नहीं। अब क्या इल्जाम लगाती है बीजेपी पर, आप मुसलमानों की फिक्र नहीं करते? अरे अरुंधति रॉय जी और सारे मिलकर पूरा ग्रुप है पत्रकारों को, तो आप जानते ही हैं, उनका काम ही है सुबह शाम आरएसएस के खिलाफ विष उगलना और हमारे मोदी जी के बारे में। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, 70% मुस्लिम बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट था, सोचिए क्यों ड्रॉप आउट रेट था? अलग अलग वजह है, छेड़खानी, बदतमीजी, शौचालय का ना होना, अब वो 30% हो गया है, यानी कि 40% बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां स्कूल जा रही हैं मोदी जी के योजनाओं की वजह से। ये मुस्लिम हितैषी हुआ कि नहीं हुआ? और एक और आप बताइए, हम लोग क्या हमेशा हिंदू मुसलमान अहेर और जाट और गुज्जर रहेंगे? क्या हम लोग हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे? अगर 179 कॉलेजेस खुल रहे हैं, एजुकेशनल मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं देश में मोदी जी के स्कीम्स के तहत, तो उसका फायदा मुसलमानों को नहीं होगा? क्या मुसलमान डॉक्टर वहां पे नहीं जाएंगे? मुसलमान मरीज नहीं जाएंगे? मुसलमान बच्चे वहां पे नहीं पैदा होंगे? ये मतलब ये क्या लगा रखी है सोच? ये मतलब इतनी एक तो घटिया सोच है, पुरानी सोच है, इतनी डम सोच है, बेवकूफी भरी सोच है। मुझे पता है गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि कम्युनल सोच पर इन लोगों की जो अपने को सेक्युलरिस्ट बोलते हैं, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि बेवकूफी भरी है इतनी, मतलब इट्स सो स्टूपिड। आपकी रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगा रही है, एसेट्स बना रही है, रोजगार दे रही है, उज्ज्वला योजना देखिए आप, जनधन योजना देखिए आप, मुद्रा योजना देखिए आप, राशन में देखिए कितने फर्जीवाड़ों को हटाया, कोई बिचौलिए नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी तहसीलदार, कोई भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई भी डीएम, कोई भी कलेक्टर, कोई भी थाना ने कभी भेदभाव किया है कि भाई तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो जी। तो यही तो होता है गुड गवर्नेंस। आप क्या, अगर कुछ लोगों ने लिंचिंग कर ली है तो उनको आप पकड़िए, और उसके लिए मोदी जी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? वैसे तो बहुत ही लिंचिंग हुई हिंदुओं की भी, दलितों की भी, तो उसके लिए किसको पकड़े? राहुल गांधी जी को पकड़े? सिखों की लिंचिंग हुई थी, सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ था, किसको पकड़े उसके लिए? रोजाना सुबह शाम में बोलूं लिंचिंग करने वाले लिए न्यूयॉर्क टाइम्स से क्यों नहीं लिखते हैं लोग, ये जो फर्जी बने हुए पत्रकार राणा अय्यूब जैसे लोग क्यों नहीं लिखते हैं NYT में, वॉशिंगटन पोस्ट में, क्यों नहीं आता ये सब बताइए? आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते ये पूरे देश से ही नफरत करने लगे? बिल्कुल, इनको ये चाहते हैं देश के साथ बुरा हो,
असल में मुझे पता है कि इतनी मुझे गुस्सा मेरा बढ़ क्यों रहा है, हालांकि मैं बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है अध्यात्म, सिस्टर शिवानी को मानती हूँ, सदगुरु को मानती हूँ, श्री श्री जी के साथ बहुत वक्त गुजारा है, अर्जेंटीना जाकर रिपोर्ट्स बनाई है मैंने। बताइए आप मुझे बताइए, जब बालाघाट होता है आप अपने प्रधानमंत्री से सबूत क्यों मांगते हैं? कौन मांगेगा? कोई देशभक्त तो मांगेगा नहीं, आप खुद सोचिए। मैं नहीं कह रही हूँ देशद्रोही है, मैं कह रही हूँ कि इनको ये चाहते हैं देशवासियों का बुरा हो। अगर हमारे देश में ये 88 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल रहा होता, मरीज लोग मरते, ये लोग खुश होते अगर ये लोग मरते हमारे भारतीय वासी, क्योंकि अरे मोदी जी ने काम नहीं किया। अब मोदी जी ने कैश ट्रांसफर करके, जनधन योजना से लिंक करके, फर्जी वाड़ो के जो अकाउंट थे बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट राशन पहुंचाना शुरू कर दिया है, तो लोगों को मिल रहा है। कुछ कहने को नहीं है तो कह रहे बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं होगी कोविड के दौरान पर? आप कह रहे लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन होगा तो बेरोजगारी होगी ना, दुनिया भर में हो रही है बेरोजगारी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है 2/3 जॉब जा रही है, हर जगह जा रही है, कोई ऐसा देश बता दीजिए जहाँ पे जॉब नहीं जा रही है। जब कोविड होगा तो बेरोजगारी होगी ना, व्यवसाय बंद होंगे, लोग निकलेंगे नहीं, आप खुद सोचिए। अकल बड़ी की भैंस, वो मोदी जी की गलती है। मोदी जी वुहान गए थे और लेके आ गए थे कोविड को और उन्होंने फैला दिया था हर जगह। क्या बोल रहे हैं आप, मतलब मजाक बना रहे हैं अपना। पर उस बेरोजगारी को कम करने के लिए कि भुखमरी से कोई मरे ना, बेरोजगारी में नए नए अपॉर्चुनिटीज हों, अवसर दिए जाए, इसके लिए सड़कें हाईवेज बनाए जाए ताकि रोजगार मिले, ताकि नेशनल एसेट बने जिसका फायदा होगा देश को भी गरीबों को भी, वो किया जा रहा है। स्टार्टअप्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। सरकारी जॉब्स अगर नहीं है तो खुद बनो, खुद एम्प्लॉय बनो, खुद एम्प्लॉयर बनो, मतलब खुद एम्प्लॉय करो अपने आप को, ये कहा जा रहा है। लेकिन नहीं, मतलब ना तो या तो ऐसा नहीं कि समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत शातिर दिमाग के लोग, लेकिन समझना ही चाह रहे हैं। तो इस वजह से और बहुत खुशी के साथ एक साल बाहर बैठने के बाद, आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद, जो मेरा दिल टूटा था क्योंकि मुझे लगता नहीं था ये लोग इतने झूठे हैं, मैं अपनी आंखों के सामने देखी चीजें होते हुए मेरा दिल टूट गया है। ये लोग इतने झूठे मक्कार लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले, कोई भी इनसे अच्छा होगा, कोई भी पार्टी अच्छी होगी। और लोग इनको इसलिए पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि ये मोदी जी को गाली बकते हैं जी। मैं कहती हूँ अगर आप मोदी जी से नफरत करते हैं ना तो अपनी नफरत अपने पास रखिए, लेकिन देख लीजिए कौन है, देख लीजिए कौन है ये लोग। तो खैर बात वापस बीजेपी पे आती है, मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिली है। अच्छा सबका सवाल यही है, आप मुसलमान हैं, महिला में है, बीजेपी में है, मैंने कहा सबसे अच्छी जगह है यही पार्टी है जो एक मुसलमान महिला को के लिए क्या कुछ करती है, जिसने पहली बार हज के लिए कहा है कि बगैर मेहरम के अगर महिला की एक कोई एक तो वो जा सकती है। हज के लिए जितने लोग जाते थे उस नंबर को बढ़ाया गया है, उस पूरी जो क्रिया, जो पूरा प्रोसेस है उसको साफ और अच्छा बनाया गया है। उसमें जो कमाई होती थी पुराने लोगों की, उस कमाई को हटाया गया है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी चीज है और मुझे तो बहुत ही इज्जत मिलती है। और मैं बता दूं आपकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, महिला हो पुरुष हो, आपका काम अच्छा है, आप देशभक्त हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आपको मौके मिलेंगे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों या उनकी पूरी टीम हो, या नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, वो सच्चाई को पहचानते हैं। आप में टैलेंट है, आप मेहनत करेंगे। और एक और चीज, जो महिलाओं की जो इज्जत इस पार्टी में है ना, वो कहीं नहीं। देखिए और पार्टियां होती हैं, बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं ना, किसी से मित्रता कर आगे बढ़कर जी यस नो करके पहुंच जाती है, यहाँ पे नहीं। आप बराबरी का आपको हक है पूरा, आप पुरुष हो या महिला हो जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा इंटरव्यू का आखिरी सवाल था, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे को देखें, हमने जो कैबिनेट रिशफल भी देखा तो वो महिलाओं की भागीदारी कैबिनेट में उन्होंने बढ़ाई, और वर्तमान में आप एक अल्पसंख्यक चेहरा हैं, महिला हैं और एक अच्छी वक्ता भी हैं, आपकी
आपका जो एक जीवन का सफर रहा है वो उस तरीके का रहा है कि लोग आपसे कनेक्ट हो सकते, तो आप ऐसा सोचती हैं भविष्य में कि पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको कहीं से उतारेंगी, कहीं से आप जीतेंगी, मंत्री बनेंगी? देखिए, पार्टी ने मुझसे हमेशा पूछा है, लेकिन जो मेरा आम आदमी पार्टी में जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो अनुभव बहुत ही, मतलब मैंने कहा ना, मेरा दिल टूट गया, रोलाने वाला रहा था। आपने ये लोग क्या क्या गालियां बक रहे थे, उगाही कर रहे थे, मनीष सिसोदिया ने जिस देवेंद्र को, जिसको लगाया था मेरे साथ इलेक्शन मैनेजर को, वो मुझसे एक्सट्रॉशन कर रहा था, उगाही कर रहा था पैसों की। तो मैं इतनी घबरा गई हूँ उससे, उस चीज से। मैं चाहती हूँ अपना काम करना अच्छे से, जो मुझे काम दिया जाता है मैं करती हूँ, और दिल से करती हूँ पूरे उससे, और मैं अपने को सिपाही मानती हूँ, और मैं कम नहीं हूँ किसी से। आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो लोकसभा वाले हैं, राज्यसभा वाले हैं, मंत्री हैं, वही हैं? मैं किसी से कम नहीं हूँ, आप किसी से कम नहीं हैं, हर एक देशवासी, सबका प्रयास। क्या कहा था, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे जरूरी नहीं है मंत्री बनकर मैं कुछ करूंगी, मंत्री हूँ या ना हूँ सब कुछ करूंगी, मेरे में हिम्मत है, ऊपर वाला देता है ताकत। अगर आप में हिम्मत है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि पद होगा तभी हम कुछ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए, अल्पसंख्यक हूँ और मैं एक मौलाना की बेटी हूँ। मेरा एक सुन्नी परिवार, हमारे पिताजी दारुल उलूम के मौलाना है, इल्मी खिताब दिया गया था उनको, मैं उस घर से हूँ। तो मैं अपने, और मैं चमनगंज कानपुर की हूँ, तो मैं पूरा जो असलियत है, जो मुसलमान जहाँ रहते हैं, उन पत्रकारों में नहीं हूँ जो बातें तो करते हैं मुसलमानों की, जो नाम के होंगे भी मुसलमान, लेकिन हमेशा रहे हैं जेली में और अच्छे अच्छे इलाकों में, और कभी गए भी नहीं होंगे, सिर्फ रिपोर्ट करना है, ओ दीस पुअर मुस्लिम्स। मैं नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं रही हूँ। मैं आपको चमनगंज के घर की तस्वीरें भेजूंगी, कहाँ रहती थी मैं, गलियों की। बिल्कुल मैम, हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी काम कर रही हैं वो उसमें आप सफल हों, और आगे भी इस तरीके से आप काम करती रहें। और आपने हमें समय दिया, आपने अपने जीवन के एक सफ़र को संक्षेप में हमें जो है बताने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो महिलाएं आपको देखेंगी, जो बच्चियां आपकी इस इंटरव्यू को देखेंगी, वो इस चीज़ को समझेंगी कि जब आप एक लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुँचना ही आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए, चाहे आपके जीवन में कितनी ही मुसीबतें क्यों नहीं आए। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।